हे फ्रीज, वेलकम टू माय चैनल किरण्स क्विजिन किचन। तो आज मैं बना रही हूँ कर्ड राइस और एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में हम बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए आपको छोटे वाले चावल चाहिए, कोलम चावल। बासमती चावल का आप यूज़ नहीं करें, इतना टेस्टी नहीं बनेगा अगर आप बासमती चावल यूज़ करते हैं। ये हाफ कप राइस है, इसे मैंने धो दिए हैं 2 से 3 बार पानी से। तो जल्दी से इसे कुकर में शिफ्ट कर देते हैं और उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 कप + 1/4 कप पानी। रेगुलर जो हम राइस बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसमें पानी जो है ज़्यादा डालता है। उसके साथ साथ आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून सॉल्ट और इसे हमें 3 to 4 whistles आने तक कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। और ये एकदम सॉफ्ट होने चाहिए, एक एक दाना इसका अलग नहीं होना चाहिए। जैसे हम रेगुलर राइस के लिए बनाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट बनाने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारे जो राइस है वो अच्छे से कुक हो गए और बिल्कुल भी इसमें प्रेशर नहीं है। तो एक बार कुकर का जो ढक्कन है वो खोल लेते हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्टली बॉयल हुआ है। और जब आप इसे मिक्स करते हैं तो ये लड्डू की तरह मतलब फॉर्म होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, अभी काफ़ी गर्म है। तो इसको हम एक बोल में खाली कर देते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह इसको बोल में जो है खाली कर दिया है। उसके बाद इसे हम ठंडा होने देंगे कम से कम 15 मिनट तक। गरम गरम में अगर आप दही डालेंगे तो दही जो है फट जाएगा, दाने हो जाएंगे उसके अंदर। तो हमारे जो चावल है वो काफ़ी अच्छे से ठंडे हो गए। तो अब इसके अंदर आप मिला दें कर्ड दही। जो भी आप दही लेते हैं वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही लेना है। तो इसमें मैं 1 कप दही मिलाने वाली हूँ। हाफ कप राइस में 1 कप दही डाला जाता है और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो 1/4 कप और डाल दीजिए, इससे ज़्यादा आप जो है दही नहीं डालें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, दही को फेंट के डाले बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी इसमें लम्स या फिर ना दाने नहीं होने चाहिए। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी मुझे गाढ़ी लग रही है, काफ़ी थिक है ये। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप दूध, फुल फैट मिल्क डालना है, कच्चा दूध नहीं डाले। और अगर आपको और इसे पतला करना है तो दूध ही डाले इसके अंदर, आप पानी बिल्कुल भी नहीं डाले। तो अब जल्दी से हम तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए आप यहाँ पे देखिए तड़का पैन ले लीजिए, गैस का फ्लेम आपको स्लो रखना है बिल्कुल। उसमें आप डाल दें 1 टेबल स्पून घी, इसका जो टेस्ट है घी से काफ़ी अच्छा आता है, तेल यूज़ नहीं करें। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा उसमें आपको डाल देना है 1/2 टीस्पून राई, मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स जैसे ही क्रैकल होते हैं उसके बाद आप इसके अंदर डाल दें 1/4 टीस्पून जीरा। उसके बाद आप इसके अंदर डाल दें 1/8 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून चना दाल। इसके साथ आपको डालनी है 1 टीस्पून उड़द दाल और 1 टीस्पून येलो मूंग दाल, दोनों को मिक्स करके डालें। तीनों दाल को डालने के बाद इसे एटलीस्ट 10 to 15 seconds के लिए इसी तरह मिक्स करते रहे और इसे थोड़ा सा सेक लेते हैं ताकि जो इसका कलर है स्लाइटली चेंज हो जाए और दाल जो है अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद आप इसके अंदर डाल दें 2 हरी मिर्च, ये टोटली ऑप्शनल है, वैसे तो नहीं डालते बट थोड़ा सा तीखा हो जाएगा तो अच्छा टेस्ट आएगा, इसीलिए मैंने इसके अंदर डाला है। 7 to 8 करी लीव्स, करी लीव्स ज़रूर डालें, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और उसी से साउथ इंडियन जैसे कर्ड राइस होते हैं ना वैसा टेस्ट आएगा। तो जैसे ही दाल का कलर देखिए ऐसा हो जाता है तो हमें गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर देना है। उससे पहले आप इसमें डाल दें 2 अक्खी लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद गैस का फ्लेम बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये जो लाल मिर्च है बहुत जल्दी जल जाती है और दाल का कलर इससे ज़्यादा डार्क नहीं करे, नहीं तो कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा। तो इस तड़के को जल्दी से हम कर्ड राइस में मिला देते हैं। उसके साथ आपको इसके अंदर डाल देना है धनिया, फाइनली चॉप धनिया है ये 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तड़के की वजह से इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कर्ड और 1 टेबल स्पून मिल्क और मिलाया है बिकॉज ये मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा था। तो ये एकदम अभी परफेक्ट है, इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा तड़का जो है मैंने रख लिया था इसके ऊपर इस तरह गार्निश करने के लिए ताकि ये देखने में काफ़ी अच्छा लगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।